नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। बेटा ने ही बाप से फिरौती की रकम 20 लाख रुपए की मांग। अपहरण की कहानी मित्रों संग रची बसी। रात भर पुलिस की बनी रही बेचैनी। सुबह सभी नाबालिग लड़के षड्यंत्र में रहे शामिल। अपहरणकर्ता मित्र मंडली ने अपने पिता से 20 लाख से 5 लाख की रकम पर सौदा तय किया। मामला NKJ थानांतर्गत घटित हुई वारदात। सभी नाबालिग पुलिस अभिरक्षा में। पुलिस कप्तान ललित शाकिवार व NKJ थाना प्रभारी बीडी दुबे ने रात भर में इस फर्जी अपहरण फिरौती को किया बेनकाब। पूरे साजिश में रहे 4 नाबालिग शामिल। फिरौती की रकम कन्हैया लाल खटीक से मांगा गया रहा। कन्हैया लाल खटीक का बेटा भी रहा शामिल। सभी नाबालिग आरोपी पुलिस ने सुबह पकड़ा। जिला ब्यूरो जाहिद हुसैन सिद्दीकी कटनी। कल दिनांक को रात में 12 बजे के आसपास कन्हैया लाल जी खटीक है, ये अपने कोयली फार्म हाउस के पीछे कॉलोनी में रहते हैं, मकान के किराए से तो पहले इनके द्वारा मेरे मोबाइल पर फ़ोन किसी माध्यम से लगाया गया कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो गया, कुछ कोचिंग गया था जो नोट करने आया और मेरे को बच्चे के मोबाइल से कॉल आ रहे हैं कि आप पहले 30 लाख रुपये दे दो, फिर 20 लाख, फिर इस टाइप से बोले, फिर 5 लाख रुपये जो आ गए और बार बार कॉल कर रहा है कि बच्चा हमारे अंदर में है। तो हमने कहा आप आइए FIR कराइए और मैंने वो सूचना जैसे मिली तो वरिष्ठ अधिकारियों को बताया और साइबर सेल और सभी जिले में जो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय शिशपुर साहब महोदय को बताया, साहब शिशपुर साहब ने टीम गठित की जिसमें अन्य थाने से बुलाया गया और इसके बाद FIR दी की प्रक्रिया चालू हुई और FIR हुई। हम लोगों ने सरगर्मी से तलाश किया। प्रथम दृष्टया हमको चूँकि जिस तरह के घटनाक्रम था कि वो 30 लाख से सीधे 20 लाख 10 लाख और 5 लाख पे आ गए और कुछ वीडियो क्लिप भी हमको सुनाई गई थी, तो ये संदेह हुआ कि इसमें कुछ शरारत हमको समझ में आई कि बच्चों की है या तो बच्चा स्वयं इन्वॉल्व है या उनके दोस्त इन्वॉल्व है। तो हम लोग इसी विषय को आधार बना करके और साइबर टीम की मदद से उस मोबाइल का लोकेशन भी ट्रेस किया और रात भर में 4-5 घंटे के अंदर, 4 घंटे के लगभग अंदर हम पहले बच्चे तक पहुंच गए। पहले सुधांशु से एक दिल्ली वाले बालक वो उसका दोस्त है, उसके पास आए फिर हम कॉलोनी पहुँच गए और उससे पूछताछ की और पूछताछ पर उसने घटना स्वीकार की और अपना जो मोबाइल था बच्चे का वो उसके पास से मिला, तो मोबाइल की जब्ती हुई थी जिससे ये अपना सिद्ध हुआ कि वास्तव में इन्हीं के द्वारा किया गया। फिर उन्होंने बताया कि मेरे साथ और 3 बच्चे, 2 बच्चे और थे और अपहरण के अलावा 2 बच्चे और थे, उन दोनों जो भी विवाहित बालक जो 2 और थे उनके पास गए और उन्हीं के पास से ये कन्हैया जी का बालक भी बराबर हुआ और फिर उन्होंने पूरा घटनाक्रम खोला। इन्होंने एक क्राइम पेट्रोल की तर्ज पर घटना को अंजाम दिया और लगातार धमकी फोन पे देते रहे कि आपका बालक नहीं मिलेगा और आदि आप पैसा नहीं देंगे। वो बेचारा घबराया हुआ था तो पहले रिपोर्ट ना करके स्वयं इस मैटर को डील करना चाहते। अपहरण की रकम बच्चों को क्यों मांगनी पड़ी माफ? इसमें ऐसा कुछ समझ में आया है कि जो प्रार्थी का बालक है उसका एक जो दोस्त है तो वो उसके ऊपर कुछ कर्ज था, तो वो कुछ कर्ज कहीं जो भी लिया हो करीब 10-15 हज़ार रुपये, तो उस कर्ज के लिए पहले इन सबको अपने दोस्तों को बुलाया और इनसे मांगा कि भाई मेरे को पैसा चाहिए, लेकिन इन लोगों ने बोला हमारे पास नहीं है। और ये बालक जो प्रार्थी का बालक है इसने बताया कि मेरे पापा के पास 3-4 लाख रुपये घर में रखे हैं। तो फिर जब जैसे उनने ऐसा बताया तो फिर इनने योजना बनाई कि क्यों ना आपके पापा से मांगा जाए और आपके मोबाइल से बात करें, तो इस प्रकार का एक घटनाक्रम इनने बना करके और उनके पापा को मोबाइल से लगातार धन। फिरौती की रकम क्या दी गई? फिरौती की रकम नहीं दी गई और चूँकि इसके बाद उन्होंने मोबाइल बंद कर दिया, फिर वो घबरा गया प्रार्थी और फिर पुलिस की सहायता। आगे क्या कार्रवाई होगी? अभी इनको सबको निरुद्ध किया गया है जो कानूनी प्रावधान है। क्या धारा लगी है? धारा 364 लगी है अपहरण करके फिरौती मांगने की और उसके तहत कार्रवाई की गई है। अब इनका बाल न्यायालय पेश किया जाएगा, उनको बाल न्यायालय। पुलिस को पहली सूचना कितने बजे मिली? पुलिस को सूचना तो ये 12 बजे के आसपास ही मिली रात में। ये बच्चा क्या शाम के गया था कोचिंग और दस्तयाबी रात में सुबह 4 बजे के आसपास हो गई, 4-4.30 बजे के बाद, मतलब कुछ ही घंटों में। हाँ, 4 घंटे के आसपास, 4 घंटे के अंदर, 4-4.30 घंटे में इस
बैठे खुलासा हो रहा है। इसमें हमारे वरिष्ठ अधिकारी स्वयं बैठ करके अरे बच्चों का अभिभावकों का क्या कहना है? अभिभावक का तो यही कहना है कि उनने घटना किया है तो जाए, जैसा है उनको दंड मिलना चाहिए। चूँकि ये वो बेचारा बहुत घबराया हुआ था, उसके दिल दिमाग में नाना प्रकार के ये आ रहे थे कि कोई घटना न गई, क्योंकि बार बार ये बोल रहा था कि मेरे बच्चे से बात कराइए और ये उससे बात नहीं करा रहे, तो उसके दिमाग में ये बात आ रही थी कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना ना हो गई हो और मेरे से पैसा भी ले। हाल ही में भी घटना जबलपुर में अपहरण की हुई जिसमें बच्चे की हत्या भी हो गई थी, ऐसे में फिर पुलिस को किस चतुराई से निपटना पड़ा? वो उसी घटनाक्रम को और आए दिन जो घटनाएँ हो रही हैं अपने और देखते हुए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने बहुत कूल माइंड से हम लोगों को जो है टेकल किया। और एक वरिष्ठ अधिकारी हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और सीएसपी महोदय स्वयं इस थाने बैठ के घटना को मॉनिटरिंग किया। सभी थाने की गाड़ियां भी हम लोग हटा दी गई, प्राइवेट गाड़ियों को उपयोग किया गया और सिविल में पूरा फोर्स हमारा रहा, चारों तरफ से घेराबंदी किए और इसके बाद हमको सफलता मिली। ठीक है, जानकारी मुझे 5:30-6 बजे करीब फ़ोन आया था बेटे के मोबाइल से, तो फिरौती मांग रहे थे लड़के, अज्ञात थे, बाद में मुझे पता चला। तो अपने स्तर से मैं जानकारियां कर रहा था, कोचिंग गया था मेरे लड़के किस तरफ देख के बोली, तो जानकारियां कर रहा था, उसके बाद परेशान हो गया तो फिर थाने आया। क्या फोन, कितने बजे कॉल आया था आपके पास? 5:30-6 के बीच। क्या बोला, क्या कहा गया फोन पे? 20 लाख रुपए दो मैं तुम्हारे लड़के को मार देंगे। फिर इसके बाद क्या किया आपने? इसके बाद मैं अपने स्तर से कोचिंग जाके पता किया, यहाँ वहाँ पता किया, जब नहीं पता चला तो फिर थाने आए। पुलिस से आपको जानकारी कब मिली कि बच्चे मिल गए? फिर इसके बाद क्या किया आपने जब पहला फोन कॉल के बाद? उसके बाद 6-7 फोन कॉल और आए। हाँ। जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तो कितने तक की सौदेबाजी फिर हुई उसमें? वो लास्ट 3 लाख रुपए में। कितने लोग थे उसमें? उसमें 4, 3 लोग थे। अच्छा, कब की घटना हुई? ये कल शाम की। तो लेन देन हुआ पैसे का? नहीं। बच्चे कितने बजे, कैसे आपका बच्चा छूटा फिर? बच्चा फिर 9:30 बजे।